नमस्कार, आप देख रहे हैं घमासान.com। मैं हूं आपके साथ दीक्षा भानुप्रिया। कई दिनों से लापता AN-32 एयरक्राफ्ट को खोजने में वायुसेना को बड़ी कामयाबी मिली है। वायुसेना की टीम को अरुणाचल प्रदेश के लियो के उत्तर में विमान का पहला सुराग मिला है। विमान के बाकी हिस्सों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। वायुसेना ने स्थानीय अधिकारियों को बताया कि विमान का मलबा MI-17 विमान ने ढूंढा है। जिस जगह से AN-32 विमान का सुराग मिला है वो स्थान सियांग जिले के पयूम में स्थित है। वायुसेना अब ये पता लगा रही है कि जो मलबा मिला है क्या वो लापता AN-32 ट्रांसपोर्ट विमान का ही है। विमान का मलबा लीपो से 16 किलोमीटर उत्तर में मिला है और ये इलाका टाटो के उत्तर पूर्व में स्थित है। विमान का मलबा जमीन से 12,000 फुट की ऊंचाई पर मिला है। MI-17 अभी विमान की लोकेशन के ऊपर है और मलबे की तलाश में लगे हैं। भारतीय वायुसेना के विमान AN-32 3 जून को चीन सीमा के पास से गायब हुआ था। विमान में 7 अधिकारियों सहित 13 लोग सवार थे। विमान की तलाश में बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, बल्कि इस काम में वायुसेना, थल सेना और नौसेना भी लगी है। इतना ही नहीं, विमान की खोज के लिए इसरो का सहारा भी लिया जा रहा है। इधर विमान के खोजी के बीच अरुणाचल प्रदेश के सियांग जिले के मोलो गाँव के ग्रामीणों ने दावा किया था कि उन्होंने पर्वत से घना काला धुआं निकलते देखा था। ग्रामीणों के खुलासे के बाद पहाड़ी क्षेत्र में खोजी अभियान तेज कर दिया गया था। इसी बीच मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने सियांग, पश्चिम सियांग, लोअर सियांग तथा सियोमी जिलों के उपायुक्त से मुलाकात की और उन्हें तलाश अभियान तेज करने के निर्देश दिए। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।